दोस्तों, टाटा मोटर्स ने ये कंफर्म किया है कि भारत में 4 अगस्त को टाटा की नई कार को लॉन्च किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टाटा की HBX के बारे में पूरी जानकारी, जिसको 4 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। टाटा HBX जो कि इसका कोड नेम था, इसको भारत में या तो हॉर्नबिल या फिर टिमैरो के नाम से लॉन्च किया जाएगा। टाटा की अपकमिंग माइक्रो SUV सेगमेंट की हॉर्नबिल अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर टाटा अल्ट्रोस बेस्ड थी, जिसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्टार की रेटिंग हासिल की थी। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि टाटा हॉर्नबिल भी अच्छी सेफ्टी रेटिंग हासिल करेगी। इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशंस, ट्रांसमिशन, डिजाइन लैंग्वेज, एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा हॉर्नबिल के डिजाइन और सेफ्टी के बारे में। टाटा हॉर्नबिल मिनी SUV सेगमेंट में लॉन्च की जा रही है। इसमें आपको इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये टाटा हैरियर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है। टाटा अल्ट्रोस के बाद टाटा हॉर्नबिल ही होगी जो टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। इस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसकी भी हायर सेफ्टी रेटिंग्स हो सकती हैं, यानी कि ये गाड़ी भी सेफेस्ट कारों की लिस्ट में शुमार हो जाएगी। बात करें इसके एक्सटीरियर के बारे में, तो जो इसका फ्रंट लुक है वो टाटा हैरियर से काफी मिलता जुलता है। अगर आप इसका प्रोडक्शन वेरियंट देखेंगे, प्रोडक्शन वर्जन देखेंगे, तो ये टाटा हैरियर से काफी ज्यादा इंस्पायर लगता है। आप इसको बेबी हैरियर भी कह सकते हैं और ये टाटा हैरियर का ही एक छोटा सा रूप लगता है देखने में। लेकिन इसमें काफी ज्यादा स्पेस मिलने वाला है क्योंकि ये एक SUV सेगमेंट में आ रही है। इसके एक्सटीरियर में फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प क्लस्टर देखने को मिल जाएगा LED DRLs के साथ। साथ ही नीचे की ओर लो माउंटेड सर्कुलर फॉग लैम्प भी मिल रहा है। फ्रंट में टाटा की सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल भी मिल जाएगी। पीछे की साइड बात करें तो LED टेल लैम्प मिलेगी ट्राई एरो पैटर्न के साथ, जैसा कि आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलता है। रूफ माउंटेड स्पॉयलर, ब्लैक साइड क्लैडिंग, 15-inch के डुअल टोन अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिल जाएंगे, वाइट सेंट्रल एयर इनलेट इसमें आपको मिल जाएगा, स्कल्प्टेड टेल गेट और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसमें आपको मिल जाएगा। और बात करें टाटा हॉर्नबिल के इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर में आपको मल्टीफंक्शन 3-spoke फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा विद स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ। साथ ही ऑल 4 पावर विंडोज, फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिल जाएगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर टाटा अल्ट्रोस बनी थी। टाटा अल्ट्रोस ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्टार की रेटिंग हासिल की थी, भारत की सबसे सेफ कारों में से एक है। उसी प्रकार उम्मीद की जा रही है कि ये भी सबसे सेफ कारों में शुमार हो जाएगी। इसमें फीचर्स की बात करें तो डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा सेफ्टी फीचर्स में। इसके अलावा लॉन्च होने के बाद ही जो और भी फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं वो भी पता चल जाएंगे। बात करते हैं टाटा हॉर्नबिल के इंजन स्पेसिफिकेशंस और ट्रांसमिशंस के बारे में। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 1188 cc का, जो 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, साथ ही 5-speed AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस गाड़ी में डीजल इंजन का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। बात करें इसकी लॉन्च डेट, प्राइस और राइवल्स के बारे में। प्रोबेबली इसको 4 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा है भारत में। इसके जो राइवल्स होने वाले हैं, KUV 100, मारुति सुजुकी इग्निस, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और अपकमिंग Hyundai की कैस्पर होने वाले हैं। इसके अलावा ये रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट के इनिशियल वेरिएंट के साथ भी कम्पीट करेगी। बात करें टाटा हॉर्नबिल के एक्सपेक्टेड एक्शोरूम प्राइजेस की, तो इस गाड़ी को लगभग 5 lakh रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 9 lakh रुपए एक्शोरूम प्राइस हो सकती है। बाकी लॉन्च हो जाने के बाद हम इसका डिटेल वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आएंगे, जहां पर ये बताया जाएगा कि बेस, मिड और टॉप एंड वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो 4 अगस्त के बाद इसका वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।